बात करते हैं मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक रखने वाले मामले की। देखिए, मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक रखने के मामले में एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें मनसुख हिरेन एक वॉल्वो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है और जानकारी के मुताबिक गाड़ी सचिन बाजे चला रहा था। यह तस्वीरें 17 फरवरी यानी कि विस्फोटक रखने से ठीक 8 दिन पहले की है। अब एनआईए साजिश की कड़ियां आपस में जोड़कर देख रही है। तारीख 17 फरवरी, वक्त रात 8:25, 16 सेकंड। मुंबई में सीएसटी के पास सड़क पर एक वॉल्वो गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। गाड़ी रेड लाइट पर आकर रुकती है। रेड लाइट होने के बाद सामान्य रफ्तार से ट्रैफिक गुजरने लगता है, लोगों की भीड़ बढ़ने लगती है, लेकिन ये गाड़ी सड़क पर गुजर रहे लोगों के बीच किसी एक का इंतजार कर रही थी। ग्रीन सिग्नल होने से पहले इस गाड़ी में किसी को बैठना था। 41 सेकंड गुजर जाते हैं, सिग्नल ग्रीन हो जाता है और वॉल्वो गाड़ी के पास खड़ी गाड़ियां आगे बढ़ने लगती हैं। और तभी पीली शर्ट पहने मनसुख हिरेन तस्वीरों में दिखाई देता है। नीली वॉल्वो मनसुख हिरेन का इंतजार कर रही थी। पहले ट्रक गुजरता है और ट्रक जाने के बाद मनसुख हिरेन गाड़ी का गेट खोलकर आराम से बैठ जाता है। मनसुख हिरेन के सवार होते ही गाड़ी वहां से निकल जाती है। चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ है कि गाड़ी कोई और नहीं बल्कि एंटीलिया विस्फोटक मामले में आरोपी सचिन बाजे चला रहा था। ये तस्वीरें 17 फरवरी की ही है और विस्फोटक मामले की यह कहानी भी 17 फरवरी से ही शुरू हुई है। 17 तारीख को मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर मनसुख ने अपनी मिलिट्री ग्रीन वाली स्कॉर्पियो कार को हाईवे के किनारे छोड़ दिया था और वो अपनी चाबी, कार की चाबी लेकर, स्कॉर्पियो की लेकर ओला गाड़ी से मुंबई, दक्षिण मुंबई पहुंचे थे सीएसटी इलाके में। सीएसटी इलाके में वहां पर इनकी मीटिंग होनी थी शिवाला होटल के नजदीक। और ये जो आप फुटेज देख रही है ये उसी बात की पुष्टि करता है कि ये सीसीटीवी इसमें कैद हुआ है कि आखिरकार वो किससे मिलने आया था, यानी वो जो स्कॉर्पियो कार थी उसकी चाबी देने के लिए वो सचिन वाजे के पास पहुंचा था। ये जो गाड़ी है जिस गाड़ी में हम दिखा रहे हैं कि सचिन मनसुख हिरेन जाकर आगे की सीट पर बैठ रहा है, ये गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि सचिन वाजे की है। एनआईए के पास इसके पहले के और इसके बाद के सीसीटीवी फुटेज है जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि ये दोनों एक साथ एक गाड़ी में बैठकर मीटिंग कर रहे हैं। और यहां तक ये भी फुटेज एनआईए के पास है कि सचिन वाजे ये ब्लू कलर की वॉल्वो कार लेकर निकल रहा है। इन्हीं सीसीटीवी तस्वीरों के आधार पर एनआईए वॉल्वो ढूंढ रही थी जो 23 मार्च को दमन से मिली। तस्वीरें इस बात का सबूत है कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन बाजे और ठाणे का व्यापारी मनसुख हिरेन एक दूसरे को पहले से जानते थे। 17 फरवरी को मनसुख हिरेन और सचिन बाजे की मुलाकात हुई किस लिए थी वो भी जान लीजिए। मनसुख हिरेन और सचिन वाजे ये पुराने करीबी दोस्त, जान पहचान वाले थे। ये तो उनकी पत्नी ने भी कह दिया था कि स्कॉर्पियो गाड़ी का इस्तेमाल 3 महीने तक तो खुद सचिन वाजे कर रहे थे। उन्होंने बाद में फरवरी के शुरुआत में आकर वो गाड़ी वापस लौटाई थी, स्कॉर्पियो गाड़ी, और वही गाड़ी की चाबी 17 तारीख को मनसुख हिरेन सचिन वाजे को देने के लिए दक्षिण मुंबई में क्रॉफर्ड मार्केट इलाके में आने वाले थे। लेकिन रास्ते में उन्होंने जो ओला ड्राइवर था उसे कहा कि अपना लोकेशन बदलकर शिवाला होटल चलिए, थोड़ी दूरी पर है क्रॉफर्ड मार्केट से सीएसटी रेलवे स्टेशन, वहां पर जाकर एक सिग्नल पर ये खड़े रहते हैं और वहां पर सचिन वाजे की ये ब्लू वॉल्वो गाड़ी आती है और ये आगे की सीट पर कंफर्टेबली जाकर बैठ जाते हैं। और इन्होंने, सचिन वाजे ने खुद ये कबूली दी है कि उन्होंने मनसुख से चाबी ली थी। 25 फरवरी को एंटीलिया के सामने विस्फोटक वाली स्कॉर्पियो रखी गई और 5 मार्च को मनसुख हिरेन का शव मुंबई से सटे मुंबरा इलाके की खाड़ी में मिला। मनसुख के मुंह पर रुमाल बंधा हुआ था। शुरू में पुलिस इसे आत्महत्या बता रही थी, लेकिन जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ा हत्या की साजिश वाली थ्योरी सामने आने लगी। जांच में पता चला कि मनसुख को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश किया गया था। इसके बाद मनसुख के मुंह पर रुमाल बांधा गया। हाई टाइड के समय शव फेंका गया इस उम्मीद में कि शव पानी के साथ बह जाएगा। मनसुख की हत्या की साजिश के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक नाम है पूर्व पुलिसकर्मी विनायक शिंदे का। सचिन वाजे के इस पूरे मामले में विनायक शिंदे की एंट्री भी
बेहद दिलचस्प है। विनायक शिंदे 2007 के लखन भैया एनकाउंटर में सजा काट रहा था, वो फर्जी एनकाउंटर जिसने विनायक की वर्दी छीन ली थी। विनायक परोल पर बाहर आया था और उसी वक्त वाजे ने विनायक का इस्तेमाल किया। विनायक सचिन वाजे के एनकाउंटर गैंग का हिस्सा रहा है। आरोप है कि विनायक शिंदे ने मनसुख को मारकर खाड़ी में फेंका है। एटीएस सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि विनायक शिंदे घटना स्थल पर मौजूद था। उसने ये बात भी कबूल की है कि मनसुख हिरन को तावड़े बनकर फोन पर बुलाने वाला शख्स भी वही था। उसने घोड़बंदर रोड पर मनसुख हिरन को बुलाया था, जिसके बाद दम घोटकर मनसुख हिरन को बेहोश किया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। एटीएस को ऐसा शक है कि हत्या किए जाते वक्त मौके पर सचिन वाजे भी मौजूद था। एटीएस सूत्रों के मुताबिक वाजे के कहने पर शिंदे ने अपने साथियों के साथ मिलकर मनसुख की हत्या की। तावड़े एंटीलिया केस में बहुत बड़ी गुत्थी बना हुआ था। दरअसल 4 मार्च को मनसुख हिरेन तावड़े के फोन पर घर से निकले थे और अगले दिन मनसुख का शव खाड़ी में मिला था और तमाम कोशिशों के बाद भी एटीएस तावड़े तक नहीं पहुंच पा रही थी। अब पहली बार ये खुलासा हुआ है कि विनायक शिंदे ने ही तावड़े बनकर मनसुख को फोन किया था। विनायक शिंदे एंटीलिया के बाहर विस्फोटक से भरी गाड़ी लेकर मनसुख हत्याकांड तक शामिल दिख रहा है। एनआईए की पूछताछ में सचिन वाजे ने यह बात कबूल की थी कि धमकी भरी चिट्ठी गाड़ी में उसी ने ही रखी थी और अब पता चला है कि टूटी फूटी अंग्रेजी में लिखी ये चिट्ठी सचिन वाजे के गुर्गे विनायक शिंदे के घर से मिले प्रिंटर के जरिए ही निकाली गई थी, जिसकी जांच फॉरेंसिक टीम कर रही है। साजिश का हर सुराग सचिन वाजे के खिलाफ गवाही दे रहा है, लेकिन सचिन वाजे खुद को बेगुनाह बता रहा है। सचिन वाजे ने एनआईए कोर्ट में पेशी के दौरान कहा, मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है, मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है, मैं जांच कर रहा था, कहीं कुछ बदलाव हुआ और 13 को जब एनआईए ऑफिस गया तो मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। मैंने इसके पहले कोई क्राइम नहीं किया है, इन घटनाओं के पीछे कुछ बैकग्राउंड है, मुझे कुछ बताना है। इसके बाद सचिन वाजे ने कोर्ट में कहा कि मुझे कुछ बातें कोर्ट के रिकॉर्ड पर लानी है, तो जज ने कहा आप अपने वकील से पूछो। वकील से बात करने के बाद तय हुआ कि सचिन वाजे लिखित में अपनी बातें कोर्ट को सौंपेंगे। फिलहाल सचिन वाजे को 3 अप्रैल तक एनआईए की कस्टडी में भेज दिया गया है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।